इनके लब रंगी मिठावर के जिसने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में जॉइन बटन जो है यूट्यूब का, उसकी इनकम के ताल्लुक से कि ये जायज़ है या नाजायज़ है, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। सेपरेट तो उसको नहीं कहेंगे, मगर ये कि मैंने इसको यूट्यूब अर्निंग के ऊपर तीन पार्ट्स का जो कम से कम 45 मिनट का बयान है, उस 45 मिनट के तीनों पार्ट्स आप सुन लेंगे यूट्यूब अर्निंग के ताल्लुक से, पहला दूसरा तीसरा। तो उसके अंदर मैंने यूट्यूब से आने वाली कमाई के हर एक पहलू को टेक्निकली तौर से बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके की इनकम होती है, क्या रूल रेगुलेशन होते हैं और किस तरह ये जायज़ नाजायज़ है। तो आप इंशाल्लाह ताला वो देखेंगे तो मेरा मौक़िफ़ आपको ज्वाइन बटन के ताल्लुक से मालूम चल जाएगा कि ज्वाइन बटन को लेकर मेरा नज़रिया क्या है, और मैंने इसे कभी भी नाजायज़ या इसकी रकम को कभी भी हराम या गुनाह नहीं कहा, ना ही मैंने उस वीडियो में कहा, ना कभी इस तरीके का कोई ईमेल पे मैंने जवाब लिख के दिया। तो बेहतर ये है कि आप इसको मुकम्मल समझने के लिए उसको तीनों वीडियो को देखें, और उसका आसान तरीका ये है कि आप यूट्यूब पे टाइप करें सिकंदर वारसी अबाउट यूट्यूब अर्निंग, तो यूट्यूब अर्निंग के तीन वीडियो आपको पार्ट 1, 2, 3 ये तीनों मिल जाएंगे, आप इसको देख लें। तो इसमें तीनों पार्ट्स में से कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी एक पार्ट्स ऑफ यूट्यूब ही है सोर्स ऑफ अर्निंग का, तो वो किसी ना किसी पार्ट में आपको इसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब से बाकी अदर सोर्स पे भी मैंने उसके ऊपर जो है वो कलाम किया है। अब रहा ये कि मैंने यूट्यूब ज्वाइन बटन क्यों अपना डिसेबल कर दिया, क्यों अपने चैनल से हटा दिया, तो अव्वल तो अर्ज़ ये है कि बिलफर्ज अगर मैंने यूट्यूब बटन पहले इनेबल करा था, ऑन करा था, बाद में उसको हटा दिया, तो यूट्यूब बटन हटा देने का मतलब ऐसा तो नहीं कि मैं उसको नाजायज़ समझता हूँ इसलिए मैंने हटा दिया, या उस रकम को मैंने नाजायज़ और हराम की कैटेगरी में रखा है इसलिए मैंने हटा दिया। अलग अलग अपना नज़रिया होता है हर शख्स का, सोचने समझने का, अपनी अपनी नीयतें होती हैं कि वो बंदा क्यों रखना चाहता है, क्यों रखना नहीं चाहता। लेकिन चैनल पे ज्वाइन बटन हटा देने का मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि मैं उसको नाजायज़ समझता हूँ। असल में वजह यह है कि यूट्यूब की तरफ से जब मुझे ये चैनल पर ज्वाइन बटन इनेबल करने का ऑप्शन मिला था, अपॉर्चुनिटी, तो मैंने इसको ऑन किया था, इसके सारे फीचर्स देखे, रूल रेगुलेशन देखे। तो इसको ऑन करने के बाद एक चीज़ सामने आई थी, वो ये थी कि अगर कोई शख्स ये ज्वाइन बटन के ज़रिए जो चैनल के सब्सक्राइब की बटन बराबर में जो होता है, तो मैंने उसको ऑन किया था, लेकिन उसमें सूरत हाल देखने में ये आई कि अगर कोई शख्स उस ज्वाइन बटन के ज़रिए से पैसे भेजता है, तो इसमें सबसे पहले तो ये होता है कि इसके अंदर जो है YouTube वाले कुछ उसका अमाउंट काटते हैं, कुछ परसेंटेज, उसके बाद गवर्नमेंट कुछ GST वगैरह काटती है, तो उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो उसको मिलता है, यानी जिसको ये रिवॉर्ड भेजा जा रहा है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स मसाले शरीर चैनल के ज्वाइन बटन के ज़रिए से 100 रुपये डोनेट करता है, तो वो 100 रुपये में से 10 रुपये के करीब, शायद एक राउंड फिगर लमसम अगर आप माने तो इतने के करीब जो है ना यूट्यूब काट लेता है, फिर उस पर 5-7 रुपये GST वगैरह कट जाती है, बल्कि 100 पे 10 नहीं 20 के या 20-25 के करीब शायद कटता है यूट्यूब की तरफ से, फिर उस पर 5-7 रुपये की GST कट जाती है। इस तरीके से जो अमाउंट मेरे पास आएगा वो आएगा 60 रुपये। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुसलमान का जो पैसा है वो बेवजह यहूदियों के खाते में जाता है, जबकि इसकी ज़रूरत भी नहीं, कोई मजबूरी भी नहीं। हाँ, वो एक अलग चीज़ है कि अगर कोई उनका ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं कि जहाँ उनको पैसा दे के आपको ख़रीदना पड़ता है, वो एक मजबूरी है, जैसे मोबाइल यूज़ करना या दूसरी डाटा या चीज़ें इस्तेमाल करना, लेकिन जहाँ पर कोई दूसरे ऑप्शन मौजूद होते हैं तो वहाँ पे मतलब अच्छा नहीं लगता कि किसी मुसलमान का जो मासूम माल है वो यहूदियों के कुफ्फार के पास बेवजह जाए। तो मुझे ये चीज़ ज़ाती तौर से अच्छी नहीं लगी कि अगर कोई शख्स 100 रुपये देता है चैनल को, वो 100 रुपये में कट के 60 रुपये मेरे पास आते हैं, 40 रुपये यूट्यूब के पास और गवर्नमेंट के पास क्यों जाते हैं, यानी किसी की मेहनत की कमाई खाली पीली यूट्यूब वाले क्यों रखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया, इसकी सबसे मेजर वजह जो थी वो ये थी। अगर ऐसा होता कि डायरेक्ट जितने बंदा भेज रहा है अगर उतने ही आएंगे,
तो ठीक है, लेकिन इनका बीच में कैसे काटना, जबकि देने वाले ने यहूदियों को देने की नियत ही नहीं की, उसने मुसलमान को देने की नियत की कि मैं 50 रुपये मसाले शरीयत चैनल को भेजता हूँ, तो जाहिर सी बात है फिर वो कटकटा के अगर 25-30 आएंगे तो आधा तो उसको अब वहीं पे चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने उसको डिसेबल कर दिया कि बेकार में माल मासूम मुसलमानों का या यहूदियों के काफिरों के खाते में जाता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो इसीलिए उसके बदले में डिस्क्रिप्शन के अंदर UPI ID का सजेशन फिर आया था कि UPI ID इज़ द बेस्ट ऑप्शन, कि उसके अंदर होता ये है कि उसके अंदर कुछ भी अमाउंट जो है वो कटता नहीं। अगर कोई मिसाल के तौर पे 10 रुपये भी सेंड करता है तो वो सीधे 10 आते हैं, उसमें किसी और का लेना देना नहीं होता, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी उसके अंदर ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसी लोकेशन पे रह रहे होते हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, कि वहाँ पर वो किसी भी अच्छे मौसम में, मौसम से मुराद ये कि उनके घर में खुशी गम हो या उनके साथ खुशी गम हो, या इसी तरह किसी अच्छे मुबारक महीने में उसके मौके पे ईसा अलैहि सलाम नहीं कर पाते, यानी ऐसी सोसाइटी में ऐसी लोकेशन में रहते हैं कि जहाँ ऐसा माहौल नहीं है और वो अकेले कर नहीं पाते, तो वो लोग भी जो है वो मेरे को अमाउंट सेंड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी मौका बमौका ऐसा कर देते हैं कि आप हमारी तरफ से ये नियाज करा देना। तो इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर किसी ने मेरे को 100 रुपये सेंड किए कि आप ये 100 रुपये सेंड किए और कहा कि गौसे आज़म की नियाज करा देना। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि उसने बाउंडेशन लगा के भेजे हैं पैसे, एक कैद लगाई है नियाज की, तो जाहिर सी बात है अब उसके 100 रुपये की नियाज ही करानी पड़ेगी, दूसरे काम में नहीं ले सकते। अब दूसरी चीज़ ये है कि भेजने वाले ने भेजे 100 रुपये नियाज कराने के लिए, लेकिन अब क्योंकि अगर वो ज्वाइन बटन के ज़रिए से भेजेगा, चाहे वो महीने के हिसाब से भेजे कि हर 11वें में भेजे या जैसे भी, तो मेरे पास तो 100 नहीं आएंगे ना, मेरे पास तो सिर्फ 60 रुपये आएंगे। तो अब अगर मुझे 100 की नियाज करानी पड़ेगी तो या तो 40 रुपये अपने पास से डालने पड़ेंगे, या तो उसे फिर बताना पड़ेगा कि आप 100 भेज दो 40। इस तरह अगर उसे 100 की नियाज करानी है तो वो 140 भेजेगा, तो ये तो नुकसान ही है बंदे का कि वो बेकार में 40 रुपये यूट्यूब वालों को फिजूल में दे रहा है। तो इसलिए ये कोई अच्छा ऑप्शन मुझे नहीं लगा, वो इसीलिए कि बस मोमिन का माल बेकार में यहूदी खाएं, तो ये चीज़ इससे बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, बेवजह नफ़ा नहीं देना चाहिए। सीधा सा खुलासा ये है कि बेवजह का नफ़ा नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इसीलिए एक जो है ना डिसेबल कर दिया कि इसके अंदर भेजने वाला किसी साले सवाब के लिए भेज रहा है तो वो अमाउंट भी पूरा नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसकी दूसरी मेजर वजह जो है वो ये है कि ये जो इसका अमाउंट होता है ना, ये गालिबन डायरेक्ट जो है बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आता। मेरी मालूमात के मुताबिक हो सकता है कि अब आने लगा हो, लेकिन जब तक स्टार्टिंग में ज्वाइन बटन था तो इस तरह इसका डायरेक्ट अकाउंट में नहीं आता था, ये जाता है एडसेंस अकाउंट के अंदर। गूगल का ही एक अपना अकाउंट होता है एडसेंस अकाउंट, जिसके अंदर आप यूट्यूब की अर्निंग को जमा करते हैं। ये एक वॉलेट होता है गूगल का, समझ लो जैसे पेफोन या दूसरे एप्लीकेशन में वॉलेट होते हैं, ये एक वैसे ही वॉलेट है गूगल का। तो आप जो भी यूट्यूब से एडवर्टाइज का पैसा कमाते हो वो डॉलर की शक्ल में उस वॉलेट में जाता है, फिर उस वॉलेट में से जब $100 हो जाएंगे उस वक्त ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इसमें 2-4 दिन लगते हैं, लेकिन प्रोसेस यही होता है। तो यानी $100 तक होने के बाद ही वो आपके अकाउंट में जाएंगे। अब बिलफर्ज जिसके एडवर्टाइजमेंट ऑन है चैनल पे, हर किस्म के एडवर्टाइजमेंट ऑन है, तो उसके इस वॉलेट में जब डॉलर डेली आएंगे एडवर्टाइज से, बाकी यूट्यूब बटन से भी आएंगे, तो वो मिलजुल कर जो है $100 हर महीने हो जाएंगे, तो उस पर तो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। लेकिन ऐसे चैनल जैसे मेरे जैसा चैनल है कि जिस पर एडवर्टाइजमेंट ऑन ही नहीं है, तो इसके $100 कैसे होंगे और कब होंगे? तो क्या 10 साल में $100 होंगे? तो ऐसे में अगर बंदे ने मुझे मुहर्रम के लिए भेजे होंगे पैसे कि ये मुहर्रम में नियाज करा देना, तो ये तो 10 साल बाद के मुहर्रम में मेरे पास आएंगे पैसे, अगर ये एडसेंस के ज़रिए जाते हैं तो। और अगर आप मान लीजिए कि डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आते हैं, वैसे ऐसा शायद नहीं है, शायद हो सकता है कि मैं गलत हूँ, ऐसा अब हो गया हो, तो भी फिर पहला वाला मसला अटकता है कि अगर डायरेक्ट भी आ रहे हैं तो पूरे नहीं आ रहे। तो इसीलिए इन सब बातों को देखते हुए मैंने उसको जो है ना डिसेबल, ज्वाइन बटन को वापस कर दिया कि बेकार में लोग इसमें ज्वाइन करें या अमाउंट भेजें और उनका पैसा जो है ना वो बेकार में इतना पहुँचे भी ना, आधा जितना वो GST PST CST में कट जाए इन सब ड्रामों में बेकार। इससे बढ़िया तो वो बंदा उतनी जितनी रकम इसमें कटेगी किसी गरीब को सदका देगा तो उसका सवाब इंशाअल्लाह ताला पाएगा। तो मैंने उसको ज़ाती तौर से ये सब बातें नोट करते हुए कि किसी मुसलमान का पैसा ख़राब ना हो एक रुपया भी, मैंने उसको जो है वो डिसेबल कर दिया।
अब रहा ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसको नाजायज़ समझकर मैंने नहीं करा, बस यही सारी बातें थी जो मैंने उसको जॉइन बटन को हटा दिया। अब रहा ये कि दूसरे चैनल ने ऑन कर रखा है, इस्लामिक चैनल वालों ने, तो अब उनका ज़ाती मसला है, उनको हो सकता है इसमें कोई हर्ज ना लगता हो कि अगर आप उन्हें 100 भेजो तो उन्हें 60 ही मिल जाए, बहुत हैं 40 यहूदियों को चले जाएँ, तो उनको अगर इसमें कोई कराहत नहीं नज़र आती तो उनका अपना ज़ाती मसला, मैं इसमें क्या बोलूँ। बहरहाल मैं इसको नाजायज़ नहीं समझता, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैसा कि ये लग रहा था कि बाकियों ने ऑन कर रखा है, क्या ये जायज़ है, अगर है जायज़ तो आपने क्यों नहीं करा, तो मैंने यूँ नहीं करा जिसको मैंने अभी अभी इस ऑडियो में आपको बता दिया। अब किसी ने कर रखा है तो आप उनसे एक बार पूछ लें कि क्या सिस्टम होता है इसका, बैंक में आता है क्या पूरे पैसे आ रहे हैं आजकल, नहीं आ रहे तो फिर वही सारी सूरतें। बाकी बंदे की अपनी अपनी थिंकिंग होती है कि वो बंदा किस रिदम पे काम करना चाहता है, क्या सोच के काम करना चाहता है, किस नियत से काम करना चाहता है। तो मेन चीज़ यही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, तो उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। और चैनल पे मैंने जॉइन बटन डिसेबल इसीलिए कर दिया, उसकी दो ये मेजर वजह थी जो मैंने आपको बता दी। पत्थर में हसन लाले पुरनवार।